माननीय प्रधान न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर श्री अजय प्रकाश मिश्र के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कसरावत में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। न्यायाधीश श्री विवेक जैन और राकेश भिड़े के आतिथ्य में कन्या भ्रूण हत्या, लैंगिक असमानता, बालिका सशक्तिकरण, वाद विवाद, निबंध, चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया गया। साथ ही न्यायाधीश विवेक जैन एवं राकेश भिड़े जी द्वारा छात्राओं से रोचक व ज्ञान वर्धक प्रश्न भी किए गए, जिसमें सही उत्तर देने पर छात्राओं को पुरस्कार भी दिया गया। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता हो, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, जवाब सही है। और कोई बताएगा जिसने भी नहीं बताया? मदर टेरेसा। ठीक है, अपेक्षा निचले पायदान पर ही रखा गया है। बेटों को अधिक महत्व देकर बेटियों से उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं। आज के समाज में भी यही कुंठित सोच व्याप्त है कि कोई बेटी आगे क्यों बढ़े, आखिर उसे लड़कियां स्त्रियां पुरुषों के बराबर होंगी, सब समान होंगे, लेकिन क्या लिख देने से समान हो जाएंगे क्या? जब तक जिस तबके को, जिस पक्ष को सदियों से, दशकों से आपने, तब जाकर कई दशकों के बाद वो स्थिति भी आएगी जब आप कह सकेंगे कि लड़का लड़की समान है। उस समानता को प्राप्त करने के लिए हमारे संविधान में कई प्रावधान रखे गए, जहां पे एक राज्य को ये छूट दी गई कि लड़कियों के फेवर में कुछ अतिरिक्त कानून बनाए जा सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें कुछ लड़कियों के लिए आरक्षण अलग से रखा जाता है कि कम से कम इतनी सीट पर तो लड़कियां ही आएंगी। तो इंश्योर किया गया कि जब तक लड़कियों को हाथ पकड़ से नहीं उठाया जाएगा तब तक वो समानता हम हासिल नहीं कर सकते जिसको हासिल करना हमारा संविधान चाहता है। ठीक है, लड़कियों के लिए भी बहुत आज कुछ रह गया किसी को पूछना हो? कुछ एनीवन? कुछ नहीं है। आज वैसे भी फोन पढ़ के बैठे सब लोग, तो ना आज तो कुछ होगा ही नहीं। सामान्य मंच ना आना इस देश मेरी लाडो, मेरे दिल का वक्तव्य नहीं है, ये आया है उस माँ की जिसके पेट में पल रहे भ्रूण को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसमें एक लड़की थी। क्यों उस भ्रूण को पलने दिया जाता यदि उसमें एक लड़का होता? क्यों यंत्र नारेस्त पूजनते रमनते तत्र देवता, जहां नारियों का निवास है वहां देवता निवास करते हैं। हम नारी को शक्ति का स्थान देते हैं, नारी को शक्ति मानकर उनकी पूजा करते हैं, कन्याओं को नवरात्रियों में पूजते हैं, उनके पैर धोते हैं। फिर उस देश में ऐसी नौबत क्यों आ गई कि एक माँ को यह कहना पड़ा ना आना इस देश में मिला हो? क्यों उसके पेट में पल रहे भ्रूण को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो एक लड़की थी? उसे जन्म लेने दिया जाता यदि वो एक लड़का होगा? जो ये कहते हैं कि भारत में हर 2 मिनट में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है, हर 14 मिनट में एक दहेज के लिए एक लड़की की बलि ले ली जाती है, हर 11 मिनट में। अगर मैं प्राचीन काल की बात करूं तो वैदिक काल में स्त्रियों की दशा ऐसी नहीं थी, अत्यंत सम्मानजनक दर्जा मुझे प्राप्त था। यहाँ तक कि कोई पूजा भी तब तक पूरी नहीं होती थी जब तक कि पति अपनी पत्नी को बगल में बिठाकर पूजा नहीं करता था। हेलो फ्रेंड्स,
आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।